हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग देखने वाले हैं 5.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर चलिए मैं वन बाय वन सभी सम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर का सम। स्टूडेंट, आपको पहले से बेटा डायग्राम दिया हुआ है, और ये जो सर्कल डायग्राम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से पाई डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पाई डायग्राम, या तो सर्कल डायग्राम बोल सकते हो। और जो सर्कल डायग्राम होता है इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है? ऑलवेज 360 होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक पूरा सर्कल रोटेट करता है, यानी 360 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो उसके अंदर आपको कुछ नीचे तीन क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो और उसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज दिए हैं, सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, फोक म्यूजिक 30% और लाइट म्यूजिक 40%। चलो तो सर, फर्स्ट वाला दिया हुआ है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड। यानी अगर 20% लोगों को अगर क्या कौन सा म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल, तो कितने पीपल उसको यूज़ करते होंगे? तो सिंपल है, 10% रिप्रेजेंट 100 पीपल, मैंने यानी 100 पीपल के ऊपर देखा हुआ है, तो उसका 20 करेंगे हम लोग, तो 100 × 20 डिवाइडेड बाय मैंने 10 करा हुआ है। सो कितने पीपल आ जाएंगे? टोटल 200 पीपल आ जाएंगे। ओके, चलिए इसी तरह का सेकेंड में आपको बोला हुआ है, कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है? तो कौन सा, देखिए किसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा दिए हैं? लाइट के अंदर। तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप लोग, लाइट म्यूजिक क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार देखा जा रहा है। ओके, उसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपको, उसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है, हर एक के आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, हर एक के जो भी वैल्यू, हर एक के आपको परसेंटेज निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। पहला क्लासिकल है, तो क्लासिकल 1000 का 10% करेंगे, सो 1000 × 10 डिवाइडेड बाय 100, क्यों 100? क्योंकि पीछे क्या है, परसेंटेज है, तो क्लासिकल की वैल्यू क्या आएगी, 100। ऐसे सेमी क्लासिकल में 1000 का 20%, 200, लाइट का कितना, 1000 का 40%, 400, एंड फोक म्यूजिक का कितना आएगा, 1000 का 30%, सो 300। क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का? चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर वापस आपको एक टेबल दिया हुआ है। आपको पहले क्या बोला हुआ है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा किसको, कौन सी सीजन को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं? तो देखिए किसको नंबर ऑफ वोट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट विंटर को हमको आंसर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पहला आंसर क्या आ जाएगा, विंटर आ जाएगा। सेकंड के अंदर फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ इस सेक्टर, अब हमको एंगल, तो चलिए आ जाओ मैं आपको एंगल सिखा देता हूँ, एंगल कैसे निकालते हैं। तो एंगल मैंने अभी हाल ही आपको बोला, 90 डिवाइडेड बाय कितना, अगर सबका टोटल करो आप लोग, 90 + 120 + 150, सबका टोटल कितना हो गया, 360। सो 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू सर्कल का भी हो तो किससे मल्टीप्लाई करने का, वापस को 360 से ही मल्टीप्लाई करने का। तो पहले की वैल्यू कितनी आ गई, 90, दूसरे का कितना आएगा, 120 × 360 / 360 आ जाएगा। ऐसे विंटर का कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हमको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो आप लोगों सभी को मालूम है, सर्कल आप बनाओगे एक राउंडर से, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, प्रोटेक्टर पे आपको मालूम है ना हमेशा 90 क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे 120 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितने का एंगल बन रहा होगा, 150 का एंगल जनरेट हो रहा होगा। क्लियर आपको ये भी पक्का? चलिए देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर भी वापस आपको क्या करना है, पहले सभी की डिग्री निकालनी है। चलो तो पहले मैं डिग्री निकाल देता हूँ, ब्लू ग्रीन रेड येलो, इस तरह के आपको कलर दिए हुए, हर एक की वैल्यू आपको दी हुई है, हर एक की वैल्यू आपको दी है 18, 9, 6 and 3, और सबका टोटल दिया हुआ 36। चलो तो पहले की डिग्री निकाल लो मैं, सो 18 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, 36 × 360, पहले की डिग्री आ जाएगी 180, 9 डिवाइडेड बाय 36 × 360, दूसरे की डिग्री कितनी आ जाएगी, 90, इसी तरह तीसरे में 6 / 36 × 360 कितना आ जाएगा डिग्री, 60, और लास्ट वन 3 / 36 × 360 कितना आ जाएगा, 30। और यही चीज़ को आपको वापस क्या करना है, हमारे यहाँ पे पाई डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप सर्कल बना दोगे पूरा, पहली वैल्यू 180 है, तो आप जब प्रोटेक्टर को रखते हो तो प्रोटेक्टर में ये कितना होता है, यहाँ पे राइट एंगल अभी जो हमने आगे बनाया था 90, तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी टोटल पूरी सिंगल लाइन कितनी आ जाएगी, 180 की। ओके, अब ग्रीन यानी क्या है, नीचे की तरफ राइट एंगल बना दूंगा, आ गया 90, यहाँ से आप मेजर करोगे तो रेड आपको मिलेगा 60 और येलो आपका आ जाएगा 30। क्लियर हो गया आपको ये भी क्या करा है मैंने पक्का? चलिए देख लेते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर भी आपको मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इस तरह के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, हर एक के एंगल आपको दिए 90, 65, 80, 70 और 55, सबका टोटल करोगे आपको 360 मिलेगा, पर यहाँ पे आपको टोटल कितना दिया हुआ है सब्जेक्ट का, 540 दिया हुआ है। तो चलिए मैं पहले हर एक के मार्क्स निकाल देता हूँ, सो 90 डिवाइडेड बाई टोटल एंगल का कितना टोटल आया था, 360 × 540, तो कितना आ गया पहले के अंदर मार्क्स, 135, दूसरे में 65 डिवाइडेड बाय 360 × 540, 97.5, 98 भी आप लिख सकते थे उसको, 80 डिवाइडेड बाय 360 × 540, 120,
70 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 540 105 एंड लास्ट में आ जाएगा 82.5। इजी है। चलिए अब आपको बोला हुआ है पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मार्क कौन से सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको आई थिंक सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहे हैं यानी आपको क्या पूछा हुआ पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, ओके 105 मार्क्स पूछे हैं आपको, तो कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, हाँ हिंदी में, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, मोस्ट मार्क्स स्कोर इन हिंदी यानी 105 स्कोर इन हिंदी, ओके। चलिए सेकेंड में क्या बोला आपको, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, यानी हिंदी से मैथ्स के अंदर बच्चे के मार्क कितने ज़्यादा हैं, तो चलो पहले मैंने डिफरेंस निकाल दिया, मैथ्स के अंदर 135 है और हिंदी में 105, माइनस करने पे कितना ज़्यादा मार्क्स है, यानी हिंदी के कंपैरिजन मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट के, 30 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ओके। चलिए एंड लास्ट वन आपको बोला हुआ है, वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस इन हिंदी एंड हिंदी, तो दोनों का कंपेयर करना है, यानी एसएस और मैथ्स का टोटल करो तो 232.5 हो रहा है और साइंस और हिंदी का टोटल करने पे 225 हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क हैं वो क्या हैं, साइंस और हिंदी से ज़्यादा हैं। क्लियर हो गया आपको ये भी क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का डेफिनेटली। चलिए ओके, तो आई होप आप सभी को ये चारों सम क्लियर हुए होंगे। सम नंबर 5 सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही करना है, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह आपको एंगल बनाने, यानी सम नंबर 4 के अंदर 5 के अंदर आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने के बाद आपको पाई डायग्राम बनाना है, सो वो आप अब एक प्रैक्टिस के अंदर ये सम कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये भी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुकी होगी, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।